सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, फर्स्ट राउंड की लास्ट कट ऑफ क्या रही थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किन किन को गवर्नमेंट और किन को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो आज फिर से मैं आपको बताऊँगा कि हमने बहुत कम नंबर पर भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। जैसा मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ वैसा इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवाना चाहता है 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाया है, अच्छे नंबर होने के बाद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिली है। अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ, किसी स्टूडेंट के 25 से कम नंबर हैं मान लो तो चलता है कि भाई उनको कॉलेज नहीं मिल सकता। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 25 से ऊपर नंबर हैं और फिर भी उसको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ है तो फिर उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है कॉलेज भरने में। तो अब आपको सेकेंड राउंड में मौका मिल रहा है तो आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। कम नंबर पर भी हम प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाते हैं, जैसे 25 पर हमने प्राइवेट कॉलेज, 36 पर हमने लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाया है श्रीगंगानगर का ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों की क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल में आप लोगों की जो लास्ट कट ऑफ रही है वो रही है 74, ठीक है ना। यानी 74 पर लास्ट आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या है, ऑफिशियल कट ऑफ क्या है, तो देखो RUHS जो है वो नीट के जैसे, यानी RUHS जो है वो कभी भी अपनी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती है। तो ये सब स्टूडेंट के रिव्यू से ही पता लगता है कि लास्ट 74 पर कॉलेज मिला है, इससे कम पर भी मिला होगा लेकिन वो जनरल में EWS कैटेगरी में मिला होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ जनरल की। अगर कोई स्टूडेंट है EWS का तो EWS में बहुत कम नंबर पर भी जो है आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है, यानी कि 55 की अगर मैं बात करूँ तो 55 प्लस वाले नंबर को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है जनरल कैटेगरी के अनुसार। अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर थे। अगर आपने खुद से काउंसलिंग करी है तो फिर आप लोगों के साथ में ये दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए अब मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी की। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट पे मैं लास्ट में आऊँगा। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं यहाँ पर OBC कैटेगरी की बात करता हूँ तो लास्ट 73 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है ना। अब एक स्टूडेंट है जिसके 70 नंबर हैं, एक के 72 हैं। अब अगर वो सेकेंड राउंड में भी यही गलती करते हैं कॉलेज को सही ढंग से नहीं भरने की तो भी फिर आप लोगों को जो है थर्ड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर जिनके अच्छे नंबर हैं, अगर आपको कॉलेज भरने का सीक्वेंस नहीं पता है तो आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको पता है कि कैसे करनी है तो आप कर सकते हैं ना। तो लास्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रही है वो रही है 73। अब मैं बात करूं कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो है किन किन को मिल जाएगा, है ना, तो उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि OBC के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक OBC NCL और एक OBC, तो OBC NCL के अंदर जो कट ऑफ रही है वो आप लोगों की 72 के लगभग रही है ना, 72 रही है ना, और OBC की लास्ट रही है 73। तो ये आप लोगों को पता रखना है। अब मैं बात करूंगा आगे, आप लोगों से सुनते रहिए ना। SC ST की मैं बात करूं तो ST के अंदर भी दो कैटेगरी हो गई, ST A ST और ST A, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, इसकी कट ऑफ लो रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत ही लो लेवल की कैटेगरी है ST के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर 32 नंबर पर, 36 नंबर पर, 34 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है ना। मतलब ये कैटेगरी जो है बहुत ही लो लेवल की कैटेगरी आप मान सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ST की, तो ST में जो आप लोगों को
प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो लास्ट आप लोगों का 60 नंबर पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ना। इससे कम भी अगर होगा किसी का, तो अगर मेरे पास तो अभी आया नहीं है कि इससे कम पर भी किसी को मिला है, बट किसी को मिला होगा तो वो स्टूडेंट के रिव्यू से ही पता लगता है, क्योंकि RUHS जो है अपनी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती है। अब पता नहीं क्यों नहीं करती है, इसका क्या रीज़न है क्या नहीं है, ये आज तक अभी तक पता नहीं लगा है, आई थिंक फ्यूचर में पता लग जाए। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ SC ST की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ SC की, ठीक है ना। अगर कोई कैंडिडेट है जो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसके पास में 55 प्लस नंबर यानी 55 से और 60 के बीच में अगर नंबर थे उनके, तो उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब फर्स्ट सेकंड राउंड में कितने नंबर तक वालों को मिलेगा, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ MBC कैटेगरी की, MBC कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ, तो वही 65 प्लस आप लोगों की कट ऑफ रही थी। अगर मैं बात करूँ आप लोगों की EWS की, EWS की मैंने बात कर ली है, EWS में तो बहुत मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 55 प्लस पर भी मिल गई थी, 60 पर भी मिल गई थी, है ना, 62 पर भी मिल गई, 58 पर भी मिल गई। बट वो डिपेंड करता है कि आप जो कॉलेज है वो कैसे भर रहे हैं ना, कॉलेज भरने का सीक्वेंस आपका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप खुद से कॉलेज भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर देते हैं छोटी मोटी कॉलेज को ऊपर नीचे करने में, तो उससे जो है आपके कॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कोई करवाना चाहता है तो हमसे करवा सकता है, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और सेकंड राउंड में 90% चांस रहेगा कि आपको हम सेकंड राउंड में कॉलेज दिलवा देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो देखो प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो प्राइवेट कॉलेज में एक साथ मैं बता देता हूं, प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं यहां पर तो सुनो, जनरल और OBC दोनों की सेम कट ऑफ मान लो, आप एक नंबर इसमें कम मान लो और एक नंबर इसमें प्लस मान लो, बस यही है OBC और जनरल की, है ना। अब मैं अगर बात करूं कि सेकंड राउंड में OBC और जनरल वालों को प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगा, तो देखो अब सुनो, गवर्नमेंट की भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ की, है ना, सेकंड राउंड की। अब देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज किन को मिल जाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर जनरल और ओबीसी के अंदर, जनरल और ओबीसी के अंदर किसी स्टूडेंट के अगर 30 प्लस नंबर हैं तो उनको जो है सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। बट भैया आपने तो जनरल में EWS वाली कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में दिलवा दी, तो देखो अब मैं बात करूं तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी नहीं थी, EWS कैटेगरी थी, और EWS में अगर कोई है तो उसे 25 प्लस पर भी गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। बस सीक्वेंस आप लोगों को सही से भरना है, अगर नहीं भरना आता है तो हम भर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अब गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक वालों को मिल जाएगा, तो OBC और जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 60 प्लस नंबर हैं या 55 प्लस नंबर भी हैं तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बस वही बात कि कॉलेज भरने का सीक्वेंस सही होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप लोगों से कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ST SC दोनों की क्या कट ऑफ रहने वाली है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, गवर्नमेंट और प्राइवेट की, है ना, गवर्नमेंट की, और यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट की। ठीक है, अब देखो ST SC के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ तो अगर आपके 50 प्लस नंबर हैं या अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 45 प्लस नंबर भी हैं तो भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, बोल रहा हूँ, है ना, कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कैसे भर रहे हैं, है ना। कॉलेज भरने का सीक्वेंस अगर गलत है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को भी बता रहे थे कि हमने पता नहीं किस से हमने काउंसलिंग करवा ली, यानी कि ऐसे ही मित्र वाले से काउंसलिंग करवा ली जिनको कि 72 नंबर, 73 नंबर पर, 77 नंबर पर जो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अभी आप ये समझ सकते हैं, है ना, तो कॉलेज भरना बहुत आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कैसे भर रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज SC ST में अगर वही 25 प्लस नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ EWS कैटेगरी की, EWS में वही प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 25 पर मिल जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से EWS गवर्नमेंट की,
50 प्लस पर EWS गवर्नमेंट में आप लोगों EWS में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लास्ट जो कैटेगरी बची है वो बची है MBC, है ना। MBC की अगर मैं बात करता हूँ तो MBC में गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रहने वाली है अब सेकेंड राउंड में, वो वही हम मैं बात करूँ 55 प्लस पर आप लोगों की MBC के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइवेट आप लोगों को वही 25 प्लस पर आप लोगों को जो है प्राइवेट कॉलेज